हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी टू मैथ्स क्लास। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड समाकलन। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, ये अनिश्चित समाकलन में लगता है। हमारा समाकलन अनिश्चित है तो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी लगेगा, अगर निश्चित है तो नहीं लगेगा। इंटीग्रल वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, इंटीग्रल ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, इंटीग्रल ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, इंटीग्रल साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी, इंटीग्रल कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस के कॉज एक्स होता है और इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है और कॉज एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स। ऐसे याद कर सकते हैं आप, टेन एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स का इंटीग्रल लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वन अपन रूट वन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन वर्स एक्स। क्यों? साइन वर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपन रूट वन एक्स स्क्वायर, तो वन वर्स वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस के वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन वर्स एक्स प्लस सी, माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर से उनका इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस हो तो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। हम फ्रेंड्स, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स, अगर वन की जगह ए स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी प्रकार वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वन अपन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और फ्रेंड्स, दो वेरिएबल इन टू में है तो यू इन टू वी है जैसे दो वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रल करेंगे। अगर यू को फर्स्ट और वी को सेकंड मानेंगे, यू फर्स्ट वी का इंटीग्रल इंटू डी एक्स माइनस यू का डिफरेंशियल डी ओपन डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। और फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे, इसकी मेथड है आई लेट। आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉग फंक्शन, ए एल जेब्रिक यानी बीजगणित फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई। इसमें से जो पहले होगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में होगा उसको सेकेंड। इसको फ्रेंड्स एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे बाद में। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ एक्स। अगर इंट्रीगल का डिफरेंशियल हो जाए या डिफरेंशियल का इंट्रीगल हो जाए तो इंट्रीगल से डिफरेंशियल कैंसिल आउट हो जाता है और एफ एक्स बचेगा हमारा। और फ्रेंड्स, जब सब्सिट्यूट करते हैं हम, रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो और आपको इंट्रीगल निकालना हो तो एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखकर आप इंट्रीगल कर सकते हैं, और रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखकर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले देख लिखते हैं। ए से वी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ए से वी एफ टी डी टी। फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन एक्स से किसी में भी चेंज हो सकता है, एक्स टी वाई किसी में भी। और फ्रेंड्स, ए से वी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट माइनस के वी से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको लिमिट चेंज करनी है, लोअर अपर लिमिट चेंज करनी है, तो माइनस लग जाएगा, चेंज हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट में से फंक्शन घट जाएगा। और ए से वी एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू ए से वी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई इंटीग्रल हो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो उसकी दो वैल्यू हो सकती हैं। यदि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पर पॉजिटिव मिल रहा है आपको, तो टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा आंसर। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो आंसर आएगा जीरो।
फ्रेंड्स इसी प्रकार 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है कहीं आपका, अगर एफ 2a माइनस एक्स मतलब लिमिट में से एक्स घटाने पर अगर एफ एक्स मिल रहा है तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के एफ एक्स मिल रहा है तो वैल्यू आंसर आएगा तो आपका 0। और फ्रेंड्स कुछ ये याद कर लीजिए इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के ए एक्स कॉस वी एक्स इज इक्वल टू होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वी की वैल्यू कुछ होंगी तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के ए एक्स साइन वी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्स की पावर 6 डी एक्स का इंटीग्रल हमने आपको बताया था एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन 6 प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है हमारा तो एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, ई की पावर एक्स इंटू टी सॉरी ई की पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा? होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से। और फ्रेंड्स आई लेट से करेंगे इसको, आई लेट में ई के एक्सपोनेंशियल ये लास्ट में आ रहा है हमारा, एक्स एलजेब्रिक है तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड। ओके फ्रेंड्स तो कैसे करते हैं, एक्स सेम ई की पावर एक्स का इंटीग्रल प्लस सॉरी माइनस डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का, फर्स्ट का डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डी एक्स इन टू एक्स इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स ऑफ होल डी एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होता है तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल वन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स इन टू डी एक्स, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस सी, हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इंटीग्रल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फ्रेंड्स इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है टू के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, और वन अपॉन टू बाहर कर लेंगे इंटीग्रल से। और फ्रेंड्स साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, तो साइन टू एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस टू एक्स, और टू एक्स का होता है वन अपॉन टू प्लस सी इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन फोर कॉस टू एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इंटीग्रल लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंस करेंगे सो दैट वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लॉग एक्स की जगह टी पुट कर देंगे अब वन अपॉन एक्स डी एक्स ये डी टी में चला जाएगा, टी का इंटरवल होता है टी की पावर वन प्लस वन टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा प्लस सी, टी की वैल्यू क्या थी मेरी लॉग एक्स तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी हमारा आंसर। और फ्रेंड्स रिपीट टू एंट्रेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस साइन टू एक्स का इंटीग्रल करना है, तो फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है, तो इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन वन की जगह पुट कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन टू एक्स की वैल्यू होती है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फ्रेंड्स ये अपॉन में डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके फ्रेंड्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, बचेगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इन टू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स से साइन एक्स प्लस कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू वन डी एक्स, वन का इंटीग्रल होता है एक्स प्लस सी, क्यों वन होता है हमारा एक्स की पावर जीरो, वन इज इक्वल टू एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन इज इक्वल टू एक्स।
फ्रेंड्स आगे देखते हैं डी एक्स अपॉन रूट एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 6 का इंटीग्रल करना है। फ्रेंड इसे सबसे शॉर्ट विधि से ये आपके एक्स की घात 6 कॉमन ले लो इसमें रूट में, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके एक्स की घात 6 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है एक्स की घात 4, तो यहाँ बचेगा 1 इजिकल टू रूट एक्स की घात 6 होता है एक्स की घात क्यूब, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू डी एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर का होता है 2t इंटू डी टी। तो हमें 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 2t डी टी अपॉन माइनस के 2, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट इजिकल टू माइनस के t डी टी। फ्रेंड्स पुट करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस के टी डी टी अपॉन अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू हमारा टी स्क्वायर, तो रूट टी स्क्वायर हो गया इजिकल टू माइनस के टी अपॉन रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा टी डी टी इजिकल टू माइनस के डी टी इजिकल टू माइनस के टी प्लस सी, माइनस 1 का इंटीग्रल माइनस के टी होता है। टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें क्या थी हमारे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस के रूट, क्योंकि टी स्क्वायर इजिकल टू ये तो टी इजिकल टू रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको लिख सकते हैं माइनस के रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस के रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं लिमिट 0 से 1 अपॉन रूट 2 साइन वर्स एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, इसका इंटीग्रल करना है। फ्रेंड्स ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, इसमें पुट करेंगे एक्स इजिकल टू साइन टी तो प्लस जेड डिफरेंशिएट करेंगे इसका डी एक्स इजिकल टू कॉस टी डी टी। अब फ्रेंड्स डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ पुट करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो फ्रेंड्स ये एक्स के फॉर्म में था अब टी के फॉर्म में बनाया हमने, तो जब एक्स बराबर 0 तब साइन टी बराबर 0, 0 किसकी वैल्यू है साइन 0 की प्लस जेड टी इक्वल टू 0, और जब x इजिकल टू 1 अपॉन रूट 2 तब तो साइन टी इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 इजिकल टू साइन पाई 4 की वैल्यू है तो प्लस जेड टी इजिकल टू पाई बाई 4, तो फ्रेंड्स लिमिट भी चेंज हो जाएंगे इसकी, लिमिट हो जाएंगे 0 से पाई बाई 4। एक्स की जगह साइन टी पुट किया था तो साइन इनवर्स साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3 अपॉन 2 डी एक्स की जगह हो जाएगा हमारा कॉस टी डी टी इजिकल टू 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो टी अपॉन 1 साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी की पावर 3 अपॉन 2 इंटू कॉस टी डी टी इजिकल टू 0 से पाई बाई 4 टी अपॉन स्क्वायर से 2 कट जाएगा पावर कट जाएगी तो कॉस की पावर 3 टी बचेगा इंटू कॉस टी डी टी इजिकल टू 0 से पाई बाई 4 कॉस की पावर 3 एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी इजिकल टू 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है sec स्क्वायर टी तो टी sec स्क्वायर टी डी टी। फ्रेंड्स का फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रल करेंगे, अब आई लेट देखेंगे ये टी है एलजेब्रिक ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, तो कैसे करेंगे फ्रेंड फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रल sec स्क्वायर टी डी टी 0 से पाई 4 माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशियल, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा इनटू सेकंड का इंटीग्रल। लिमिट 0 से पाई बाई 4 और डी टी इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर टी का डिफरेंशियल इंटीग्रल होता है टेन टी। तो टेन टी 0 से पाई बाई 4 लिमिट माइनस सेक स्क्वायर टी का टेन टी होता है तो 0 से पाई बाई 4 टेन टी डी टी इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स टी पर भी लिमिट लगेगी, तो टी की वैल्यू पाई पर होगी तो पाई फोर और जीरो पे जीरो, तो पाई फोर माइनस जीरो। इसी प्रकार टेन पाई फोर की वैल्यू वन, तो वन माइनस टेन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस टेन टी की वैल्यू होती है लॉग टी प्लस टेन टी। फ्रेंड्स हमने आपको फॉर्मूला में बताया था लिमिट जीरो से पाई फोर। सॉरी फ्रेंड्स टेन एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स, तो इसका लॉग सेक टी हो जाएगा केवल। ये बची वैल्यू पाई फोर, यहाँ से माइनस वैल्यू रखेंगे तो लॉग सेक पाई फोर माइनस लॉग सेक जीरो इज इक्वल टू पाई बाई फोर। सेक पाई फोर की वैल्यू होती है रूट टू, तो लॉग रूट टू माइनस सेक जीरो की वैल्यू वन होती है और लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो हो जाएगा ये जीरो। तो पाई फोर माइनस लॉग रूट टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस टू की बार वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू लॉग टू हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 9 + 16 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो 9 कॉस स्क्वायर एक्स 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स की 1 + 10 स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे प्लस 16 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 तो 25 tan स्क्वायर एक्स, तो 9 + 25 tan स्क्वायर एक्स। और फ्रेंड्स पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा 9 + 25 t² तो फ्रेंड्स 25 को मान ले लेंगे इसमें से, तो 1/25 डी टी अपॉन 9/25 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 डी टी अपॉन टी स्क्वायर 9/25 हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। ये 1/x² + a² होता है टेन 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1/25 1/a एक वैल्यू 3.5 तो 1/3.5 टेन इनवर्स टी अपॉन 3/5 प्लस सी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो 1/25 इंटू 5/3 टेन इनवर्स 5t/3 प्लस सी इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 1/15 टेन इनवर्स टी की वैल्यू हमने फ्रेंड्स 10x मानी थी, तो टी की वैल्यू 10x पुट कर देंगे तो 5 tan x / 3 प्लस सी ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 0 से 5/2 एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फ्रेंड्स क्या करते हैं पहले एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल निकाल लेते हैं,
ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट हमारा आई लेट में क्या होता है एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा, तो ये सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट एक्स को मानते हैं तो कॉस कंट्रिकल साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 इंटू कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस एक्स, हमारा हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें लिमिट लगाते हैं प्लस दैट लिमिट 0 से पाई बाई 2 एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स 0 से पाई बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो पाई बाई 2 लिखेंगे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 तो 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फिर से हमारा आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।